जमशेदपुर में माहवारी दिवस पर एक नाटक के जरिए लड़कियों ने महीनों के उन कठिनाई भरे दिनों को बेहद ही सरलता के साथ प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के जरिए ये बताया गया कि मासिक धर्म कोई अभिशाप नहीं है, लोगों को इसके प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। मैं भी स्कूल से होकर गुजरी हूँ, मैं खुद स्पोर्ट्स में थी तो बहुत बारी बहुत तकलीफ होता था हम लोगों को जब स्कूल जाते थे और पीरियड्स के टाइम पे बहुत बारी कमेंट्स भी सुनने मिलता था। तो कहीं हम लोगों को एक खुले विचार का बनाना चाहती है जिसके वजह से, क्योंकि हमने कोई पाप नहीं किया अगर हमें पीरियड आ रहे, तो अगर हमें पीरियड्स नहीं होगा तो कहीं जा रहे ये सबको, इसके लिए सिर्फ महिलाओं को ही नहीं पुरुषों को भी जागरूक होना चाहिए कि जो समाज में ये जो पीरियड्स को लेकर एक अजीब सा थॉट है लोगों के मन में वो बदल सके। इसके साथ ही माहवारी दिवस के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पैड बैंक की शुरुआत की जाएगी, जिससे लड़कियों को कभी भी सैनिटाइजर की जरूरत पड़े तो वो पैड बैंक की मदद ले सकें। पैड बैंक से लड़कियों को काफी सहयोग मिलेगा और अहम बात ये कि पैड बैंक से सैनिटरी पैड बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। शहर के लोगों का गांवों के विकास के लिए आगे आना जरूरी है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमने लोगों से अपील की कि आप लोग सैनिटरी पैड डोनेट करें और लोगों की सहायता से जन भागीदारी से हम लोग सरकारी स्कूल्स में पैड बैंक बना रहे हैं। ये पैड बैंक का महत्व ये होगा कि लोग सैनिटरी पैड डोनेट करेंगे और हम इन सैनिटरी पैड्स को हम लोग ग्रामीण विद्यालयों के पैड बैंक में, जो पूर्वी सिंहभूम जिले के 50 विद्यालयों में खोला जाना है, और इस पैड बैंक से बच्चियां पैड मुफ्त ले सकेंगी। और इस हमारा महत्व ये है कि बच्चियां खुद अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हों। स्कूल में लगने के बाद बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि ये सुविधा हमारे घर पर नहीं है, स्कूल पर है, तो लड़की लगातार स्कूल आएगी और उसका लाभ अपना इस्तेमाल करेगी। और स्कूल में होने से क्या होगा कि अगर स्कूल में बाई चांस हो गया तो वो स्कूल से ले सकती है और उसमें टीचर भी मदद कर सकती है। आपको बता दें कि पैड बैंक की शुरुआत 5000 सैनिटरी पैड के साथ हुई है। बेशक ये मुहिम लड़कियों के लिए हर तरह से उपयोगी साबित होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।